जीवन कठिन तब हो जाता है जब आप कर्म करने के बजाय भाग्य पर भरोसा कर बैठ जाते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे वीकली परफॉर्मेंस के बारे में। इंटेलिसिस ने अपनी परफॉर्मेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया था, कितना था प्लस, कितना था माइनस, पूरा डिस्कस करते हैं बहुत छोटे से और एक बहुत शानदार से वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वीक 6 के बारे में। वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 6th वीक का पूरा डिटेल ये मेरे पीछे स्क्रीन पे दिखेगा और मैं आपको पूरा बताऊंगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटेलिसिस इज ऑल सेगमेंट अंडर वन रूफ। इक्विटी में अगर आप काम करते हैं इंटेलिसिस है, अगर आप MCX में काम करते हैं इंटेलिसिस है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस या फ्यूचर में काम करते हैं या फिर स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं उसके लिए भी इंटेलिसिस है। तो यहां पर पीछे आपको स्क्रीन दिखेगी तो मैं आपको पूरा बताता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे वीक परफॉर्मेंस जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है वीक 6 में। 5th फेब को स्टार्ट हुआ था और 9th फेब को एंड हुआ था, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसका पूरा डिटेल यहां पर आप देखेंगे। और जो मैं आपको बोल रहा था ऑल सेगमेंट अंडर वन रूफ, उसका पूरा डिटेल मैं आपको बताता हूं। चाहे सेगमेंट में इक्विटी हो या फिर इंडेक्स फ्यूचर हो, इंडेक्स ऑप्शन हो, करेंसी हो, उसके अलावा MCX में रामबाण, ब्रह्मास, महाबाहुली, त्रिशूल, जो हमारे MCX के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे MCX के ऑडियंस हैं, जो हमारा प्लान लेते हैं, उसका पूरा डिटेल भी आप इसमें देख पाएंगे। और इसके अलावा इसका डिटेल, अंदर का डिटेल अगर आपको देखना है तो कॉल ट्रैकर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड कोशिश मैं ये करूँगा कि एक और वीडियो आपको बताऊँ और कॉल ट्रैकर में जाना कैसे है, कॉल ट्रैकर में देखना कैसे है वो भी उसमें आप देख पाएंगे। सो यहां पर आप देखेंगे, देखिए 5th फेब को इक्विटी, जिस किसी ने भी एक दिन पहले वीडियो देखा होगा इंटेलिसिस के, एक दिन पहले यूट्यूब चैनल में वीडियो देखा होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी पोजीशन बनाई होगी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी पैसा बनाया होगा। सो आप देखेंगे इक्विटी में, ये देखिए 5th फेब को 22,426 रुपीज। यस, 4 स्टॉक्स में इंटेलिसिस आप लोगों को प्लानिंग देता है, अगर आपने देखा होगा तो आई एम श्योर पैसा बनाया होगा। सो इक्विटी में देखेंगे 22,426 रुपीस यहां पर प्लस दिख रहा है आपको। इंडेक्स फ्यूचर में आप देखेंगे 11,150 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है। इंडेक्स यू ऑप्शन, यस, जिसमें इंटेलिसिस प्लान करता है कि एटलीस्ट आपको कॉल 1-2 घंटे पहले मिल जाए, तो उसका अगर आप देखेंगे मंडे को 5th फेब को 600 रुपीस हमने माइनस में क्लोज किया है। स्टॉक ऑप्शन में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, और रामबाण आप देखेंगे, रामबाण वालों की मंडे को चांदी थी, आप देखेंगे 34,200 रुपीस हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में मंडे को 5th फेब को प्लस में क्लोज किया है। उसके बाद ब्रह्मास, महाबाहुबली, त्रिशूल, सुदर्शन, यहां पर आप ये देखेंगे कुछ भी पार्टिसिपेशन मंडे को नहीं हुआ है। उसके बाद आप ट्यूसडे को देखेंगे, ट्यूसडे 6th फेब को देखेंगे 514 रुपीस इक्विटी में आप देखेंगे प्लस में क्लोज किया है हमने। इंडेक्स फ्यूचर में 9,500 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है, तो इंडेक्स फ्यूचर के लिए ट्यूसडे अच्छा था। उसके बाद आप इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे 4,000 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है, 4,000 रुपीस एक दिन में प्लस में क्लोज किया। तो जिनका कैपिटल छोटा सा है, जिनका कैपिटल छोटा सा अमाउंट है 1,00,000 से कम है, आप ऑप्शन में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, इंटेलिसिस को फॉलो कर सकते हैं। आप देखेंगे ट्यूसडे को हमने अगेन 4,000 रुपीस प्लस में क्लोज किया है। स्टॉक ऑप्शन उतना अच्छा दिन नहीं था, 4,200 रुपीस हमने माइनस में क्लोज किया है। उसके बाद आप रामबाण में देखेंगे, रामबाण ट्यूसडे अगेन बहुत अच्छा था, 9,150 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है। ब्रह्मास्त्र के लिए अगेन ट्यूसडे आप देखेंगे, ब्रह्मास्त्र 6th फेब को देखेंगे 76,200 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है। उसके बाद महाबाहुबली, त्रिशूल और सुदर्शन, ट्यूसडे को कुछ भी पार्टिसिपेशन 6th फेब को नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे 7th फेब भी वेडनेसडे मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा था, इक्विटी 5,960 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है। यस, देन आप इंडेक्स फ्यूचर में आप देखेंगे कि 6,000 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है। इंडेक्स ऑप्शन में कुछ भी पार्टिसिपेशन यहां पर नहीं हुआ, तो मतलब वेडनेसडे को कुछ भी पार्टिसिपेशन ऑप्शन में इंडेक्स में नहीं हुआ था। देन स्टॉक ऑप्शन के लिए एक अच्छा सा कमबैक हुआ, वेडनेसडे को 4,785 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है वेडनेसडे को। उसके बाद करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, रामबाण के लिए मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को भी बहुत अच्छा था, आप देखेंगे 19,050 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र कुछ भी पार्टिसिपेशन यहां आप देखेंगे नहीं हुआ है। महाबाहुबली के लिए वेडनेसडे बहुत अच्छा था, अगेन 78,385 रुपीस, यस यू हर्ड इट राइट, 78,385 रुपीस हमने अपनी परफॉर्मेंस में प्लस में क्लोज किया। अब ये 78,000 रुपीस कहां से आया, 19,050 कहां से आया, 4,785 कहां से आया, इसके लिए आपको कॉल ट्रैकर में क्लिक करके पूरा डे बाय डे डिटेल देखना होगा। रामबाण, ब्रह्मास, महाबाहुबली, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, सबका डिटेल उसमें दिया होगा।
तो ओवरऑल आप देखेंगे कि 5th February को 67,176 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया था. देन 6th February को आप देखेंगे ट्यूजडे को 95,164 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया था. उसके बाद आप देखेंगे कि 7th February वेडनेसडे को 1,14,180 रुपीज, ये जो अमाउंट दिख रहा है ये हमने प्लस में क्लोज किया था. तो तीन दिन बहुत अच्छे थे. उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ थर्सडे की. सो थर्सडे का आप डिटेल देखेंगे. थर्सडे का 8th February का आप देखेंगे इक्विटी में 7,670 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है, तो बहुत अच्छा दिन था. देन इंडेक्स फ्यूचर में 8,000 रुपीज प्लस में क्लोज किए हैं. देन इंडेक्स ऑप्शन के लिए थर्सडे उतना अच्छा नहीं था, 600 रुपीज माइनस में क्लोज किए हैं. स्टॉक ऑप्शन में 3,040 रुपीज हमने माइनस प्लस में क्लोज किए. सो थर्सडे को आप स्टॉक ऑप्शन देखेंगे 3,040 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किए. देन करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. रामबाण में आप देखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी प्लस में किया है हमने क्लोज. आप देखेंगे रामबाण में 2,200 रुपीज प्लस में क्लोज किए. देन ब्रह्मास्त्र में थर्सडे में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. देन महाबाहुबली में आप देखेंगे वेडनेसडे के बाद थर्सडे भी प्लस में था. वीक 6 में आप देखेंगे 69,750 रुपीज हमने महाबाहुबली में प्लस में क्लोज किया है. देन त्रिशूल कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. सुदर्शन आप देखेंगे कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. तो आप ओवरऑल आप देखेंगे थर्सडे 8th February इक्विटी का 7,670, इंडेक्स फ्यूचर का 8,000, देन इंडेक्स ऑप्शन में 600 माइनस, देन स्टॉक ऑप्शन में 3,040 रुपीज प्लस, देन रामबाण में 2,200 रुपीज प्लस, देन महाबाहुबल में 69,750 रुपीज प्लस में आप देखेंगे. तो ओवरऑल आप देखेंगे 8th February आप देखेंगे यहां से 90,060 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है. देन लास्ट डे, यस वीक 6 का लास्ट डे आप देखेंगे 9th February आप देखेंगे इक्विटी में 3,403 रुपीज प्लस में क्लोज किया हमने. तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आई एम श्योर आपने भी पैसा बनाया होगा. उसके बाद आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में 3,500 रुपीज प्लस में क्लोज किए. देन इंडेक्स ऑप्शन में 10,200 रुपीज, यस 10,200 रुपीज, मतलब फ्राइडे बहुत अच्छा था इंडेक्स ऑप्शन के लिए. 10,200 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है. देन आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शन में कुछ भी पार्टिसिपेशन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ. देन करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ. देन रामबाण में आप देखेंगे फ्राइडे को 30,900 रुपीज, यस 30,900 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है. देन ब्रह्मास्त्र में कुछ भी पार्टिसिपेशन यहाँ आप देखेंगे नहीं हुआ. महाबाहुबली में अगेन फ्राइडे लास्ट डे वीक 6 का हमने प्लस में क्लोज किया 60,000 रुपीज. एंड देन सुदर्शन की प्रॉफिट बुकिंग हुई आप देखेंगे 1,36,000 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है. तो ओवरऑल फ्राइडे भी बहुत अच्छा था. आप देखेंगे 3,400, 3,500, 10,200, 30,900, 60,000 और 1,36,000 जो महा सुदर्शन का है उसको आप देखेंगे 2,44,003 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है. तो इन शॉर्ट आप देखेंगे वीक 6 बहुत अच्छा था. अब इसको मैं समराइज करता हूं. इक्विटी आप देखेंगे मंडे प्लस, देन 6th February प्लस, 7th February प्लस, 8th February प्लस, 9th February प्लस, मतलब इक्विटी में आप देखेंगे सभी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब आप देखेंगे 39,973 रुपीज हमने वीक 6 में प्लस में क्लोज किया है. देन आप इंडेक्स फ्यूचर आप देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर वालों के लिए भी बहुत अच्छा वीक था. आप इसमें देखेंगे 11,150 रुपीज, 9,500, 6,000, 8,000 और 3,500 रुपीज आप प्लस करेंगे तो 38,150 रुपीज इंडेक्स फ्यूचर में हमने प्लस में क्लोज किया. तो बहुत अच्छा वीक था. उसके बाद आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन के बारे में, अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑप्शन के बारे में तो आप देखिए 600 रुपीज माइनस था मंडे को. ट्यूसडे को एक अच्छा सा कमबैक हुआ, आप देखेंगे 4,000 रुपीज प्लस में क्लोज किए. 8th February को 600 रुपीज हमने माइनस में क्लोज किए. देन बड़ा सा कमबैक हुआ 9th February को 10,200 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किए. तो ओवरऑल आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे इंडेक्स ऑप्शन के लिए भी वीक 6 बहुत अच्छा था. 13,000 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है, मतलब 13,000 रुपए हमने इंडेक्स ऑप्शन में प्लस में क्लोज किया है. तो इमेजिन करिए 13,000 रुपीज इंटू 4 वीक आप करेंगे तो इंडेक्स ऑप्शन में छोटी कैपिटल करने काम में काम करने वाले भी बहुत पैसा बना सकते हैं. अगेन ये पास्ट परफॉर्मेंस है, इससे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ये पास्ट परफॉर्मेंस है, इसका पूरा डिटेल कॉल ट्रैकर में डाला हुआ है. उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन. ट्यूसडे माइनस अमाउंट था 4,200 रुपीज,
देन वेडनेसडे थर्सडे प्लस था, इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे आप देखेंगे 3625 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है वीक एंड होने पर वीक सिक्स। उसके बाद आप देखेंगे करेंसी में कुछ भी पार्टिसिपेशन यहां पर नहीं हुआ है, मतलब जीरो आप देखेंगे। देन रामबाण, आप लोगों का सबसे फेवरेट प्लान, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब दिन प्लस में क्लोजिंग हुई है। टोटल अगर आप देखेंगे रामबाण का तो इसमें आप देखेंगे रामबाण में 34,200 मंडे, 9,150 रुपीस ट्यूसडे, वेडनेसडे 19,050, थर्सडे 2,200, फ्राइडे 39,900 रुपीस, मतलब टोटल आप देखेंगे 95,500 रुपीस हमने रामबाण में प्लस में क्लोज किया। तो रामबाण वालों की बहुत चांदी थी वीक सिक्स में। उसके बाद ब्रह्मास्त्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मंडे तो कुछ हुआ नहीं था, ट्यूसडे ही हुआ था जो भी हुआ था ब्रह्मास्त्र में 76,200 रुपीस वीक एंड होने पर आप देखेंगे यहां पर प्लस में क्लोज हुआ है। उसके बाद महाबाहुबली आप देखेंगे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप देखेंगे 2,08,135 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है। उसके बाद त्रिशूल में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था वीक सिक्स में, और सुदर्शन की क्लोजिंग जो हुई थी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 1,36,000 रुपीस हमने प्लस में क्लोज किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो वीक सिक्स बहुत अच्छा था, हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में टोटल आप देखेंगे 6,10,583 रुपीस। यस, सही सुना आपने, 6,10,583 रुपीस प्लस में क्लोज किया है। तो ये पूरा डिटेल, पूरा ब्योरा आपके सामने है परफॉर्मेंस रिपोर्ट का। एंड इंटेलिजेंस का बेस्ट पार्ट ये है 100% ट्रांसपेरेंसी। ये फिगर कहां से आया उसको आपको कॉल ट्रैकर को देखना होगा, उसको आपको रेफर करना होगा। तो भगवान से मैं यही प्रे करूंगा कि आगे आने वाला वीक आप लोगों के लिए और इंटेलिसिस की परफॉर्मेंस शीट के लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड मंथ एंड वीक अहेड। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.